गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था एनर्जी रिसोर्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। तो राजस्थान के ऊर्जा संसाधन में देखिए हम पढ़ रहे थे राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का क्रम, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है वो कौन से ऊर्जा संसाधन से किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का जो उत्पादन है वो तापीय ऊर्जा से किया जाता है लगभग 60%। ठीक है, उसके बाद देखिए किससे किया जाता है, पवन ऊर्जा से, फिर जल विद्युत ऊर्जा से, फिर सौर ऊर्जा से, फिर आणविक ऊर्जा से और फिर बायोमास से। ठीक है, तो ये था ओवर परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों को मिला के कि सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन तापीय ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, फिर आणविक ऊर्जा और फिर बायोमास। अब हम पढ़ते हैं कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का क्रम क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का क्रम क्या है। तो यहाँ पर देखिए परंपरागत गैर परंपरागत में सबसे पहले क्या आ जाएगी, पवन ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि देखिए तापीय ऊर्जा के बाद पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, फिर बायोमास। ठीक है, यदि हम ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, तरंग ऊर्जा की बात करें, तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, इनका जो निर्माण है, ठीक है, वो विद्युत के उत्पादन में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहले देखिए यदि हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधन की बात करें तो सबसे पहले हमने ऊर्जा संसाधन का मीनिंग जाना, उसके बाद हमने ऊर्जा संसाधन के प्रकार जाने कि ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। उसके बाद हमने ये जाना कि परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को किन किन नामों से जाना जाता है और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का क्रम क्या है, यानी सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन राजस्थान में कौन सी ऊर्जा से किया जाता है, उसके बाद कौन सी से, उसके बाद कौन सी से। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन कौन सी ऊर्जा से किया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन कौन से ऊर्जा संसाधन से किया जाता है, तापीय ऊर्जा संसाधन से किया जाता है। और राजस्थान में
नवीनतम विद्युत का उत्पादन, ठीक है सॉरी, राजस्थान में न्यूनतम विद्युत का उत्पादन कौन से ऊर्जा संसाधन से किया जाता है? तो राजस्थान में न्यूनतम विद्युत का उत्पादन बायोमास ऊर्जा संसाधन से किया जाता है। अब यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन की अपेक्षा, ठीक है, या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की अपेक्षा परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से सर्वाधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन से अधिक विद्युत का उत्पादन होता है या फिर गैर परंपरागत से? तो किससे होगा? परंपरागत ऊर्जा संसाधन से। क्यों? क्योंकि जो तापीय ऊर्जा है वो किसमें आती है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किस संसाधन से किया जाता है या कौन सी ऊर्जा से किया जाता है? तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन तापीय ऊर्जा से किया जाता है और न्यूनतम आणविक ऊर्जा से किया जाता है। यदि हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन सी ऊर्जा से किया जाता है? तो पवन ऊर्जा से किया जाता है और सबसे कम बायोमास से। हालांकि राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा का। ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान में कौन सी ऊर्जा से सर्वाधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो पवन ऊर्जा का। ठीक है, तो ये थे हमारे राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के। अब हम देखिए, एक जो हमने ऊर्जा पढ़ी, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तो इनको एक एक को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम तापीय ऊर्जा की बात करेंगे। तापीय ऊर्जा में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ रहे हैं हम? तापीय ऊर्जा। लेकिन तापीय ऊर्जा में हम क्या पढ़ रहे हैं? कोयला आधारित तापीय ऊर्जा। तो कोयले का उपयोग करके एक पॉइंट लिखते हुए जा रही हूँ, ये पॉइंट आ रही ना। तो कोयले का उपयोग करके क्या किया जाता है?
सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है या कोयले का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो हमारे राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। चूंकि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, इसलिए राजस्थान में कोयले आधारित जितनी भी परियोजनाएं हैं वो ज्यादातर कौन से कोयले पे आधारित है? लिग्नाइट कोयले पे आधारित है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है या कोयले का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो किससे होता है? लिग्नाइट आधारित परियोजना से होता है। यदि हम
उसके बाद अभी हम इतना समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या है, सुपर थर्मल क्या है और सुपर पावर क्या है। तो देखिए, यदि हम बात करें कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना की, ठीक है, तो देखिए कोयला आधारित जो तापीय ऊर्जा परियोजना है, कोयले का जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, विद्युत का उत्पादन करने में किया जाता है, यानी कोयले को जला के किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए, राजस्थान में कोयला आधारित परियोजना अधिकांशतः लिग्नाइट कोयला आधारित है, यानी आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला निकलता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में लिग्नाइट आधारित कोयला निकलता है। ठीक है, कौन सा कोयला निकलता है सर्वाधिक मात्रा में, लिग्नाइट आधारित कोयला निकलता है। ठीक है, तो राजस्थान में कोयला आधारित जितनी भी परियोजना है वो ज़्यादातर किस कोयले पे आधारित है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित। ठीक है, फिर देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन लिग्नाइट आधारित कोयला परियोजना से होता है। जाहिर सी बात है, जब राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयला परियोजना ज़्यादा है तो विद्युत का उत्पादन भी किससे होगा, लिग्नाइट आधारित कोयला परियोजना से होगा। कितने परसेंट बिजली का उत्पादन किया जाता है लिग्नाइट आधारित कोयला परियोजना से, तो 56% बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोयला आधारित जो तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं वो कितने प्रकार की है, तो राजस्थान में कोयला आधारित तापीय विद्युत जो परियोजनाएं हैं वो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की राजस्थान में कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। कौन कौन सी, पहली है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यदि ये पूछा जाए कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना किस पर आधारित है, कोयले पर आधारित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है, पवन ऊर्जा पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, कोयले पर आधारित। तो राजस्थान में कोयला आधारित जो तापीय विद्युत परियोजना है कितनी है, 3। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सुपर पावर प्रोजेक्ट। अब हमें ये देखना है कि सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या है और थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, तो वे तापीय ऊर्जा परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट, ठीक है, कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे पढ़ रहे हैं, राजस्थान में कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो
अभी हमें ये देखना है कि सुपर क्रिटिकल, इसकी बात कर रहे हैं हम क्रिटिकल, इसमें केवल क्या है थर्मल, इसमें केवल क्या है सुपर, वैसे थर्मल, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और सुपर पावर प्रोजेक्ट। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? तो वे तापीय विद्युत आधारित परियोजना जिनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होती है 1000 मेगावाट या फिर उससे अधिक, ठीक है, वह किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी होनी चाहिए 500 मेगावाट या उससे अधिक। अब देखिए सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कितनी इकाई है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो उसमें कितनी इकाई है, उसमें 5 इकाइयों को हमने शामिल किया है। कितनी इकाइयों को हमने बताऊंगे करके, 5 इकाइयों को हमने शामिल किया है। तो इन 5 इकाइयों को मिला के कितनी होनी चाहिए 1000 या 1000 से ज्यादा उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, तो वो कौन से प्रोजेक्ट में आ जाएगा, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हो जाएगा। या फिर इन 5 में से प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक होनी चाहिए, या तो जो 5 इकाइयां हैं उनकी कुल मिला के कितनी होनी चाहिए 1000 मेगावाट से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, या फिर किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक होनी चाहिए। तो देखिए कौन कौन सी इकाइयां हैं, उन इकाइयों की हम बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी, गंगानगर में क्या है, सूरतगढ़ जो नामक स्थान है वो कहाँ पे पड़ता है, गंगानगर में। दूसरा पावर प्रोजेक्ट है छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कौन सा है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, कहाँ है, 12 में, ठीक है, छबड़ा कहाँ है, 12 में। फिर आता है काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, काली सिंध नदी का नाम है, काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, झारखंड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाएगा झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झालावाड़। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कितनी इकाइयां हैं, कुल मिला के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 5 इकाइयां हैं, कहां कहां हैं, एक सूरतगढ़, प्रथम जो इकाई थी वो यही
सूरत का सुपर क्रिटिकल पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सूरतगढ़ गंगानगर, फिर छबड़ा बारा के अंदर, उसके बाद काली सिंह झालावाड़ के अंदर, फिर झालावाड़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़, बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। अब हम एक एक की बात करते हैं। जो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे पहली सुपर थर्मल और सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यदि हम बात करें सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हमने किस किस की बात की? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की हमने बात की, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी, ठीक है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सबसे पहली भी कौन सी है? सूरतगढ़। ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है और सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है सूरतगढ़, ठीक है। और सूरतगढ़ जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 4400 मेगावाट, ठीक है। और एक वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? वर्तमान उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट, ठीक है। पहले कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी इसकी? 4400 मेगावाट, और वर्तमान कितनी है? 1500 मेगावाट। उसके बाद हम बात करते हैं छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो छबड़ा बारा में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा उत्पादन, तो छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का जो उत्पादन किया जा रहा है वो कौन से, ठीक है, तापीय ऊर्जा उत्पादन, तो राजस्थान में कौन से सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? तो कौन से किया जा रहा है? छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान में सर्वाधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। और वर्तमान में छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो उत्पादन क्षमता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, शायद मैंने भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेन बस इसमें यही दो ध्यान रखनी थी। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो सूरतगढ़ राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। उसके बाद छबड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कौन से, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कौन से पावर प्रोजेक्ट से हो रहा है? तो छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से हो रहा है, जो कि बारा के अंदर है। फिर काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ में, झालावाड़ सुपर क्रिटिकल झालावाड़ में ही, और फिर बांसवाड़ा में, यानी राजस्थान के
5 जिलों में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, यानी राजस्थान के 5 जिलों में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गंगानगर, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा, सॉरी 4 जिलों के अंदर। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तापीय ऊर्जा से, न्यूनतम बायोमास से। परंपरागत की बात करें तो सर्वाधिक तापीय से, न्यूनतम आण्विक से। यदि गैर परंपरागत की बात करें तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा से और न्यूनतम बायोमास से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे कल। Thank you.